गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टू में आपका स्वागत है। आज हम क्लास टू में हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में तितली कविता है। इसमें हम देखेंगे शब्दार्थ हैं, भाते हैं, अच्छे लगते हैं, कली, फूल खिलने से पहले की अवस्था, डाली, टहनी या शाखा। फिर से, भाते हैं, अच्छे लगते हैं, कली, फूल खिलने से पहले की अवस्था, डाली, टहनी या शाखा। इस कविता के कवि हैं नर्मदा प्रसाद खरे। इस कविता के कवि नर्मदा प्रसाद खरे हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं, तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, फूल फूल के कानों में जा, जाकर तुम क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आँखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। एक बार फिर से, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं, कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं, तितली रानी यह कह सभी बुलाते हैं। पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, क्यों फूल फूल के कानों में जाकर तुम क्या कहती हो। सुंदर सुंदर प्यारी तितली, आँखों को तुम भाती हो, इतनी बात बता दो हमको, हाथ नहीं क्यों आती हो। इस डाली से उस डाली पर उड़ उड़ कर क्यों जाती हो, फूल फूल का रस लेती हो, हमसे क्यों शर्माती हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे होमवर्क दिया जा रहा है, एक तितली का सुंदर सा चित्र बनाएं तथा उसमें रंग भरें और इस कविता को याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में।